नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। घर में चोरी के अगले दिन महिला का काटा गला, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। अलवर शहर के कालाकुआ क्षेत्र में शनिवार रात को घर में सो रही एक महिला का अज्ञात व्यक्ति ने गला काट दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक दिन पहले महिला के घर में चोरी हुई थी। घटना के समय रात ज्यादा होने व बिजली कटौती के चलते अंधेरा हो रहा था, इसलिए हमलावर को किसी ने नहीं देखा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। घर में कुछ नहीं हुआ। मैं रात को 3 बजे लाइट गई थी, तो ये टॉयलेट करने गई थी यहाँ पे, तो टॉयलेट करके अंदर आई थी। अंधेरा था घर में, बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो इसको कमरे में घबराहट सी हुई थी, उमस ज़्यादा थी इस कमरे में। उसने दरवाज़ा खोल लिया और दरवाज़ा खोलने के बाद ये लेट गई आराम से। तो मैं तो सो रहा था, बगल में ये रसोई हुई थी। उसने अब लेटे लेटे ये भी सो गए थे, सोते ही इसके गर्दन किसी ने काट दिया और काट के ये बाहर चली गई। तो आप पता नहीं था कौन है? कोई नहीं, बिल्कुल घर में बिल्कुल अंधेरा था। कोई सामान वामान कोई लूट वूट नहीं करी? सामान चोरी हुई थी वो कल हुई थी। अच्छा, क्या चोरी हुआ था? इसके दो कड़े थे, नाक का था और कान के थे और मंगलसूत्र था। फोन ले गया था आपको, पता है कोई कुछ पता लग पाया? रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं पता लगा, कुछ भी नहीं। कार रिपोर्ट दी थी आप लोग? पुलिस रिपोर्ट कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ पे कहाँ रहते हो आप? मैं काला को जाता हूँ टी बेटर में। नहीं, आपको किसी पे शक है या मतलब कोई आदमी कोई पड़ोसी हो या कोई किसी पे शक हो? ना ना, किसी पे शक नहीं। ये गला वाला किसी पे शक? ये सुनो, इधर इधर चोरी चोरी कहीं आने के तो मेरे भाई का शक हो सकता है रात इसका। अच्छा, आपके भाई गले पे किसने वार किया? ये भी पता होगा। क्या सो रहे थे? हम सो रहे थे। नाम है आपके मैसेज का? नहीं। हाँ, और आपका क्या नाम? राजीव।